नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी जगह कोविड 19 के नियमों को पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए। इन नियमों का पालन के लिए सभी जिले के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश सरकार द्वारा दिए गए। वहीं बात करें यदि कानपुर देहात जिले में कोविड 19 की धज्जिया बीजेपी कार्यकर्ता ही उड़ा रहे हैं। दरअसल जिले के मंगलपुर इलाके से वर्तमान बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले की बहु जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई है, जिसके लिए अब गाँव-गाँव में प्रचार शुरू किया है। लेकिन प्रचार के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। प्रचार कर रहा कोई भी एक कार्यकर्ता ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहा, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि देश में कोविड 19 कोई समस्या ही नहीं है। दरअसल जब इस मामले में सवाल जिले के पुलिस कप्तान केशव कुमार चौधरी से किया गया तो उनका कहना है कि मंगलपुर कोतवाली पुलिस के निर्देशित कर दिया गया है। कोविड 19 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जिले के सभी प्रभारियों को एक बार फिर से धारा 144 कोविड 19 की सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिया गया है। सर, कोविड का चल रहा है और ऐसे में मास्क को लेकर के सरकार बहुत एहतियात बरतने को कह रही है, उसके बावजूद जब जिला पंचायत के चुनाव है इसमें लोग सैकड़ों लोग निकल रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क लगा रहे, बिना परमिशन, उनके परमिशन की कंफर्मेशन नहीं है, थाने के बाहर इस तरह निकल रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाए? इसमें अभी पता लगाया जा रहा है कि जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसकी उन्होंने अनुमति ली है या नहीं ली है, और अगर अनुमति ली है उसके बाद भी जो कोविड 19 के गाइडलाइंस है उसका अनुपालन उन्हें करना चाहिए था, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो उन पर जो भी कोविड 19 के गाइडलाइन के उल्लंघन से संबंधित विधिक कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी और इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। सर, जिले में किस तरीके का अभी जिला प्रशासन ने मीटिंग की थी उसमें निर्देश दिया था साफ तौर पे कि कोविड गाइडलाइन का भी प्रोटोकॉल होगा और परमिशन भी ली जाएगी, क्या वो तस्वीरें दिखाई दे रही? जी, उसी तस्वीर के क्रम में संबंधित को निर्देशित किया गया है कि वह कंफर्म करें कि वह परमिटेड है या नहीं है, और अगर परमिटेड है तो उसमें कोविड 19 के गाइडलाइन का जो उल्लंघन हुआ है उसके संदर्भ में वो विधिक कार्रवाई करें।